हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो कुछ इस प्रकार की है कि आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूं कि आप अपने घुटनों के दर्द से कैसे छुटकारा पा सकोगे। कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी। जैसे देखिए, आजकल के माहौल ऐसा हो गया है, आजकल का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि हम हर काम खड़े होकर ही करते हैं। जैसे कि हम खाना भी बनाते हैं अब तो हमें खड़े होकर ही बनाना पड़ता है। पहले होता क्या था कि पहले की औरतें जो भी खाना बनाती थी, नीचे बैठती थी, चूल्हे के पास में बैठती थी और बैठकर खाना बनाती थी। कुछ भी लाना होता था खुद, मतलब खड़े होकर जाती थी, लेकर आती थी, फिर बैठती थी, फिर बनाती थी। इससे होता क्या था, उनके एक्सरसाइज होते रहते थे। लेकिन आजकल के भाग दौड़ भरी दुनिया में ऐसा होना बंद हो गया है। सब खड़े होकर तुरंत इंस्टेंट खाना मिल जाए, इंस्टेंट खाना मतलब कि तुरंत क्विकली खाना बना ले, हर कुछ मतलब क्विकली क्विकली जल्दी जल्दी में। इस चक्कर में होता क्या है कि हम एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हैं, और जो पहले के लोग एक्सरसाइज भी नहीं करते थे फिर भी उनके जो बॉडी रहता था एकदम फिट रहता था और नीचे शिकायत भी बहुत कम होते थे। तो ऐसा क्यों होता था, क्योंकि वो लोग उन लोगों के लाइफ में इतना ज़्यादा काम होता था और आराम आराम से काम करते थे, उठना बैठना चलना फिरना सब होता था। लेकिन आजकल ऑफिस में ही बैठे रहो, 8-8 घंटे तक बैठकर ही काम करना होता है, और फिर खड़े हो तो बस कमर अकड़ जाती है, घुटने में दर्द होने लगते हैं, ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगे हैं आजकल। तो आजकल बड़े हो या बूढ़े हो या छोटे हो या बड़े हो, सबको ये शिकायत है घुटनों की। तो मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बताती हूँ। कभी आप थक हार कर भी आते हो ना, तो घर में आओ, बेड पर रिलैक्स, आराम से लेट जाओ, दिन ये एक्सरसाइज कुछ कर लो तो आपको रिलीफ मिलेगी। ये एक्सरसाइज है कौन सा, तो आइए मैं बताती हूँ। तो आपको एक ऐसा रबर बैंड लेना होगा, लास्टिक वाला है, देखो जितना भी खींचोगे खींचेगा और इजीली इससे एक्सरसाइज होता है। इसका नाम क्या है मैं डिस्प्ले पे दे दूंगी, अभी याद नहीं आ रहा है कि कौन सा बैंड है ये, बट मैं डिस्प्ले पे दूंगी, आप देख लेना। ये लास्टिक के रबर की है ऐसा। अगर आपके पास बाय द वे ऐसा नहीं है तो कोई भी आप टावल ले ले, या हमारे बिहार में गमछा बोलते हैं तो गमछा भी ले सकते हो और इसे एक्सरसाइज कर सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों में से कोई भी मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप लोगों के पास में सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बता देती हूँ कि कुछ एक्सरसाइज बताती हूँ जो कि आप करोगे तो आपके नी की जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा। तो चलो शुरू कर लेते हैं।
कुछ ही एक्सरसाइज बताए हैं जो कि आप इसके हेल्प से बहुत ही इजीली एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कुछ भी लेकर टॉवल या गमछा लेकर आप कर सकते हो, बहुत ही इजीली हो जाता है। बस आपको इस एक्सरसाइज को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 4 से 5 मिनट ही लगेगा। अगर आप कितने बार रिपीट कर सकते हो एक्सरसाइज को, बस आप पे डिपेंड करता है। नहीं तो वन टाइम ही करोगे तो सही, मतलब उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को शिकायत है घुटनों के दर्द का तो एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को रिलीफ मिलेगा। और मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को फैमिली और फ्रेंड के साथ में शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप लोगों के पास में सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ किसी बेहतरीन वीडियो के साथ में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखो।